हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजिकल एविडेंस विसरा की। तो विसरा बेसिकली एक ऐसा एविडेंस होता है जो पोस्टमार्टम के बाद में कलेक्ट किया जाता है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये समझ लो कि विसरा होता क्या है। विसरा मीन्स इंटरनल ऑर्गन्स, लार्ज इंटरनल ऑर्गन्स प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। ठीक है, लार्ज इंटरनल ऑर्गन्स जो भी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं, चाहे वो स्प्लीन हो, किडनी हो, लिवर, हार्ट, एवरीथिंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आते हैं विसरा के अंदर। अब विसरा प्रिजर्व कब किया जाता है? जैसे आप सभी ने सुना होगा कि पोस्टमार्टम हुआ है, तो जब भी पोस्टमार्टम होता है तो कुछ ऐसे स्पेशल केसेस होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे स्पेशल केसेस होते हैं, मैं बताऊंगी वो ऐसे कौन से केसेस होते हैं जिसके बाद में विसरा को प्रिजर्व करते हैं और उसे FSL भेजते हैं फॉर एनालिसिस। ठीक है, टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस के लिए भेजा जाता है। तो हम इस वीडियो में पूरा वही डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपने ये नहीं पता है आपको कि पोस्टमार्टम क्या है या कैसे होता है, पोस्टमार्टम को हम ऑटोप्सी भी बोलते हैं। ठीक है, पोस्टमार्टम को क्या बोलते हैं? ऑटोप्सी। तो उस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो वो आप देख लेना कि व्हाट इज ऑटोप्सी, व्हाट इज पोस्टमार्टम, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पोस्टमार्टम, प्रोसीजर ऑफ पोस्टमार्टम, एवरीथिंग। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन नहीं करा है तो आप उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं वहां पर आपको सारे नोट्स जो हैं वो प्रोवाइड करूंगी। तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और अब दूसरी चीज, पोस्टमार्टम होने के बाद में जो विसरा आता है FSL में, ठीक है, पोस्टमार्टम के बाद में जो भी FSL में विसरा आता है उस पर हम कैसे टेस्ट करते हैं, कैसे पूरा प्रोसीजर होता है, उस पर मैंने प्रैक्टिकल जो परफॉर्म किया है, ठीक है, ये मैंने प्रैक्टिकल परफॉर्म करे थे, उसके वीडियोस आपको मिलेंगे। ये वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, ये आप देख सकते हो, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट हैं, ये आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो विसरा है उसको ओपन किया जाता है, फिर उसको कट करते हैं, कैसे डिस्टिलेशन होता है, कैसे उसमें पॉइजन एनालिसिस किया जाता है, टेस्ट किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने वीडियोस बनाकर डाले हुए हैं। तो उन वीडियोस को आप जरूर देखना, उससे आपको बहुत अच्छे से आइडिया लग जाएगा, चीजें समझ में आएंगी क्लियरली। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे पोस्टमार्टम। यहाँ पे हम विसरा पर आने से पहले सबसे पहले ये बात करेंगे कि विसरा को कलेक्ट कैसे करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि कोई भी बॉडी आई है अगर, ठीक है, कोई अगर बॉडी है तो बॉडी का पोस्टमार्टम टॉप टू डाउन, ठीक है, टॉप टू डाउन किया जाएगा, जिससे कि कोई भी एविडेंस मिस ना हो। ठीक है, सबसे पहले ओरल कैविटी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओरल कैविटी क्या, माउथ कैविटी जैसे बोल सकते हैं, ओरल कैविटी से स्टार्ट करेंगे। ओरल कैविटी में मिलता क्या है? सबसे पहले टंग, टंग को हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने में हमें ये देखना है कोई इंजरीज तो नहीं है, डिफॉर्मिटीज है, या फिर कोई डिसीज तो प्रेजेंट नहीं है। टंग में देख के ये पता चलता है, ये आप देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम लगाया है, टंग से ये पता चलेगा। फिर बकल म्यूकोसा, इसमें हम देखेंगे कोई इंजरीज वगैरह तो नहीं है। लिप्स एंड गम्स, लिप्स एंड गम्स की इनर लाइनिंग, ठीक है, लिप्स एंड गम्स की इनर लाइनिंग देखी जाएगी कि इसमें कोई इंजरीज, डिफॉर्मिटीज या फिर कोई डिसीज तो नहीं है। फिर हम देखेंगे टीथ, टीथ में डिसलोकेशन तो नहीं है, या फिर और कोई एसोसिएट फाइंडिंग्स मिलती हैं तो वो भी हम देखते हैं। फेनिक्स, एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखते हैं फॉर द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन बॉडी टू बी रूल्ड आउट। फिर जॉ का एनालिसिस भी यहाँ पे किया जाता है। तो ओरल कैविटी में इतनी चीज़ों का एनालिसिस यहाँ पे हम करते हैं। बेसिकली हम मतलब यहाँ पे ये नहीं होता, फॉरेंसिक एक्सपर्ट कभी भी यहाँ पर पोस्टमार्टम नहीं करता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। फॉरेंसिक एक्सपर्ट कभी पोस्टमार्टम नहीं कर सकता है, पोस्टमार्टम इज ऑलवेज डन बाय डॉक्टर एंड दैट टू गवर्नमेंट डॉक्टर, ओनली गवर्नमेंट डॉक्टर इज अलाउड टू डू पोस्टमार्टम इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ओरल कैविटी के बाद में जो दूसरी चीज आती है दैट इज योर नेक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जब डॉक्टर नेक स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर कट लगाया जाता है, ठीक है, तो यहाँ से कट स्टार्ट करते हैं, कट लगा के यहाँ पे ओपन कर लिया जाता है। उसके बाद में इसमें देखा क्या जाता है, बेसिकली हम नेक में जो एनालाइज करते हैं फॉर द प्रेजेंस ऑफ रिगरगेटिव फूड, इसका मतलब क्या होता है, इनकम्प्लीटली डाइजेस्टिव फूड होता है जो रिवर्स में वापस माउथ में आ जाएगा, मतलब
बहुत रेयरली होता है ऐसा एक एक्सेप्शनल ऑर्डर में कि यहाँ पे फूड अपना जाता किस डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन इस डिसऑर्डर के कारण ये फूड जो है ये वापस ऊपर आ जाता है, विच इज इनडाइजेस्टेड, इनकम्प्लीटली डाइजेस्टेड होता है, ठीक है। या फिर कोई कैप्सूल्स हैं, पाउडर है, वेरिसेस, वेरिसेस मतलब क्या होता है, वीन्स जो कि एनलार्ज हो सकते हो गए हैं या फिर स्वॉलन है, इन सब चीज़ों की प्रेजेंस जो है वो देखी जाती है नेक के अंदर, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। हाइरॉइड बोन देखेंगे, थायरॉइड देखेंगे और क्रिकॉइड कार्टिलेज देखेंगे, ये सारी चीज़ें जो है ये देखी जाती हैं नेक स्ट्रक्चर में। आफ्टर दिस लंग्स, ठीक है, फिर लंग्स आता है। लंग्स में यहाँ पे क्या करेंगे, लंग्स में यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है देखना कि ऑर्गन इज इंस्पेक्टेड फॉर एनी कंसोलिडेशन, ओडीमा, एम्फिसीमा, एटिलेक्टिसिस। इसका क्या मतलब होता है अभी ये बहुत ध्यान से सुनना, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी, ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। इसका मतलब होता है कि जब कोई एक्सेस फ्लूइड यहाँ पे लंग्स में फिल्ड हो, ठीक है, मतलब कि कोई भी एक्सेस फ्लूइड दैट इज ट्रैप्ड इनसाइड द बॉडीज टिश्यू, ठीक है, इसके अंदर अगर कोई फ्लूइड ट्रैप हो जाता है, ये होता है, ठीक है। दूसरा वर्ड यहाँ पर आता है एम्फिसीमा, व्हाट डज दैट मीन, इट इज अ टाइप ऑफ डिसऑर्डर विच अफेक्ट एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स, लंग्स के एल्वियोलाई को यहाँ पे अफेक्ट कर देता है एंड इसकी वजह से ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है इनटेक और जो रिलीज है वो यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाता है। एल्वियोलाई क्या होगा, एल्वियोलाई एबनॉर्मली इन्फ्लेटेड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इन्फ्लेटेड, ठीक है। और यहाँ पर वॉल्स जो होते हैं, जो वॉल्स होंगे एल्वियोलाई के, वो यहाँ पर कैसे हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे एंड विच विल मेक एनी वन हार्डर टू ब्रीद, ठीक है, डिफिकल्टी टू ब्रीद, भाई सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, समझ में आ गया। अब अगला टर्म यहाँ पर क्या आता है, एटेलेक्टेसिस, दैट मीन्स पार्शियल कोलैप्स और इनकम्प्लीट इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स, लंग्स का कोलैप्स हो जाना, नॉट फुली, पार्शियल कोलैप्स, ठीक है, पार्शियल कोलैप्स और इनकम्प्लीट इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स, इनकम्प्लीटली इन्फ्लेशन होना लंग्स का। तो ये चीज़ें यहाँ पे लंग्स में देखी जाती हैं कि क्या लंग्स में ये सारी चीज़ें कोई प्रेजेंट है, अगर हैं तो जो पीएम रिपोर्ट बन रही है उसमें ये सब नोट किया जाएगा। हर ऑर्गन के बारे में नोट किया जाता है कि कौन सा ऑर्गन जो था वो किस कंडीशन में है, क्या उसका कलर है, क्या साइज है, सारी चीज़ें यहाँ पे नोट की जाती हैं। फिर इसके बाद में हार्ट, अब हार्ट में क्या देखेंगे, यहाँ पर हार्ट में ये देखा जाता है कि भाई हीमोरेज प्रेजेंट तो नहीं है, ठीक है, हार्ट कंजेस्टेड है या फिर नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हार्ट में आपको देखनी पड़ती हैं, तो उससे पता चल जाता है कि भाई हार्ट अटैक से मरा है या फिर जो है हार्ट में किस तरीके का फंक्शन जो है स्टॉप हो गया था, डेथ पता चल जाती है बेसिकली। फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसमें बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, पूरा ये ट्रैक्ट जो है एग्जामिन करेंगे हम, ट्रैक्ट क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मतलब यहाँ पे ईसोफेगस आ जाएगा पूरा इसमें, तो यहाँ से लेके माउथ से लेके टिल द स्टमक, ये पूरा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, इसको पूरा एग्जामिन करा जाएगा, कलर क्या है, कंटेंट्स क्या प्रेजेंट है, व्हाट इज द कंसिस्टेंसी, स्मेल क्या प्रेजेंट है, ये सारी चीज़ें नोट की जाती हैं, ठीक है। अब इसके बाद में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बाद में यहाँ पर आ जाते हैं लिवर में, अब लिवर किस लिए एग्जामिन करते हैं, फॉर द प्रेजेंस ऑफ एनी नोड्यूल्स, कोई नोड्यूल्स प्रेजेंट हैं क्या, कलर, अपीयरेंस, कंजेशन, इंजरीज, ठीक है, एंड एनी ग्रॉस पैथोलॉजिकल फाइंडिंग, जो भी फाइंडिंग्स मिलेंगी उन सबको यहाँ पे देखा जाता है, दिस इज योर लिवर, इस तरीके से यहाँ पे लिवर प्रेजेंट होता है, लिवर के ऊपर गल ब्लैडर प्रेजेंट होती है और नीचे यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम प्रेजेंट है, ठीक है। फिर हम गल ब्लैडर, अब लिवर के ऊपर ही गल ब्लैडर है, गल ब्लैडर भी हम इसी में ले लेते हैं, इसी में एग्जामिन करते हैं फॉर एनी कैलकुलस प्रेजेंट और नॉट, कोई कैलकुलाई यहाँ पे प्रेजेंट है या फिर नहीं है, इस चीज़ के लिए हम यहाँ पे लिवर को एग्जामिन करते हैं, ठीक है। डॉक्टर का काम होता है एक एक ऑर्गन को यहाँ पे एग्जामिन करना। देखो एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पे अब आपका ये कैलकुलाई का मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा, इसका मतलब होता है कोई स्टोन, ठीक है, कोई स्टोन पर्टिकुलरली प्रेजेंट तो नहीं है, जैसे कि किडनी स्टोन, ठीक है, जैसे किडनी स्टोन, तो ये इसमें देखा जाता है, क्लियर होगी बात। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट जो हमारा ऑर्गन है दैट इज स्प्लीन, स्प्लीन क्या है भाई, स्प्लीन बेसिकली हम पूरा निकाल लेते हैं,
पूरा एक छोटे से जार में पूरा का पूरा स्प्लीन निकाल के उसको एग्जामिन करते हैं, उसका साइज, शेप, कोई इंजरी प्रेजेंट है कि नहीं, या फिर कोई भी पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स अगर मिलती हैं तो. नेक्स्ट इज किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर. ये सारी चीजें, किडनी, यूरेटर और ब्लैडर. किडनी किस लिए एग्जामिन करते हैं हम? पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए या फिर किसी भी हीमोरेज के लिए. यूरिनरी ब्लैडर किस लिए? फॉर द प्रेजेंस ऑफ एनी एसोसिएटेड इन्फ्लेमेशन. कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं है ब्लैडर में, या कोई भी पैथोलॉजिकल फाइंडिंग अगर मिलती है तो उसके लिए. ठीक है, नेक्स्ट आता है जेनिटेलिया, मतलब कि जेनिटल पार्ट जो है मेल्स में क्या हो है? टेस्टिस और पीनिस, दो चीजें एग्जामिन की जाती हैं. टेस्टिस एग्जामिन करते हैं हम फॉर एनी एसोसिएट पैथोलॉजी. पीनिस इज ऑल्सो एग्जामिन्ड फॉर इंजरी, पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स और एनी एसोसिएटेड कॉन्जेनिटल माल फॉर्मेशन, मतलब कि पीनिस में कोई माल फॉर्मेशन तो नहीं है. इसके बाद में फीमेल्स की अगर हम बात करें तो फीमेल्स में ओवरीज, बेसिकली ओवरीज जो है वो देखी जाएंगी. प्रेजेंस ऑफ फीटस की, इनकेस जो थी फीमेल जो है उसकी अगर डेथ हुई है तो क्या वो प्रेग्नेंट थी, क्या फीटस प्रेजेंट था, कितने मंथ का फीटस था, कि फीमेल फॉर्टिसाइड का केस तो नहीं है, या कुछ भी इस तरीके से, यह सारी चीज़ें एग्जामिन की जाती हैं. एज एस्टिमेशन भी कहीं ना कहीं किया जाता है पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में, यहाँ पर एज एस्टिमेशन भी कर लेते हैं फीमेल जेनिटेलिया से. इसके बाद में ब्रेन, ब्रेन में क्या एग्जामिन किया जाता है? अगेन फॉर हीमोरेज. ठीक है, इससे पता चल जाएगा कि भाई ब्रेन ट्यूमर था, या जो है ब्रेन हैमरेज तो नहीं हुआ है, या फिर कोई इंजरी थी ब्रेन में, कंट्यूजन, या फिर कोई भी और चीज़. इसके बाद में फ्रैक्चर्स भी देखे जाते हैं स्कल में, कि किस तरीके के फ्रैक्चर्स हैं स्कल में. ये चीज़ें हो गई. अब यहाँ पे ये ध्यान रखना, ऑर्गन का डिस्क्रिप्शन लिखना बहुत ज़रूरी होता है. डॉक्टर ने एग्जामिनेशन कर लिया सारे ऑर्गन्स का, अब इसके बाद में ये लिखना ज़रूरी होता है साइज़ क्या था, शेप, वेट, सरफेस, कंसिस्टेंसी, कोहेंशन, कलर और स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर वॉज वेदर नॉर्मल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर रिटेन्ड, या फिर नॉर्मल से कुछ डिफरेंट था. तो ये सारे डिस्क्रिप्शन जो है ये पूरे लिखे जाते हैं ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गन विच इज एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर. इसके बाद में अब यहाँ पे प्रिजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है. भाई विसरा मिल गया हमें, हमने निकाल लिए, ऑर्गन्स निकाल लिए, अब क्या ऑर्गन्स को ऐसे ही रख के भेज देंगे? अगर आप ऐसे ही रख के भेजोगे तो वो तो खराब हो जाएंगे. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? विसरा का प्रिजर्वेशन, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि लैब में पहुँचते साथ ही उसका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाए, है ना. वो बात अलग है कि अगर 24 आवर्स के अंदर होना है तो उसको प्रिजर्व करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है. मोस्टली विसरा जो है एफएसएल में जाके कई दिनों तक रखा रहता है, जब उसका नंबर आएगा तब उस पर एग्जामिनेशन किया जाता है. तो कैसे प्रिजर्व, हम क्यों कर रहे हैं प्रिजर्व? सबसे पहली चीज़ तो अगर कोई ऐसी डेथ हुई है जिसमें पॉइजनिंग का केस लग रहा है तब करेंगे. इन केस ऑफ डेथ ड्यू टू सस्पेक्टेड पॉइजनिंग, या तो भाई उसने खुद पॉइजन खाया है ऐसा कुछ हो सकता है, या सस्पेक्टेड पॉइजनिंग लग रही है बाय डॉक्टर और पुलिस, फिर इन केस ड्यू टू सस्पेक्टेड इंटॉक्सिकेशन या फिर ड्रग अब्यूज के कारण डेथ लग रही है, या फिर कॉज ऑफ डेथ इज नॉट फाउंड, पता ही नहीं चल रहा है कि भाई इसकी डेथ हुई क्यों है, कोई रीजन ही नहीं मिल रहा है, तो उस केस में भी विसरा प्रिजर्व करते हैं. इन केस वेयर अनयूजुअल स्मेल, कलर और अनआइडेंटिफाइड मटेरियल इज डिटेक्टेड इन स्टमक कंटेंट, तब भी यहाँ पे क्या करेंगे? अगर कोई अनयूजुअल स्मेल आ रही है, या फिर कोई कलर अजीब सा दिख रहा है, कोई अनआइडेंटिफाइड मटेरियल है कि समझ ही नहीं आ रहा है स्टमक कंटेंट में, तो इस ऐसे केस में भी विसरा प्रिजर्व करेंगे. स्टमक कंटेंट भी प्रिजर्व करेंगे. स्टमक कंटेंट क्या होता है? कि स्टमक के अंदर जो भी मटेरियल मिला है, अनडाइजेस्टेड है, डाइजेस्टेड है, कैसे भी फॉर्म में है, वो सब प्रिजर्व करेंगे. इन एडवांस स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन, अगर डिकम्पोजिशन की एडवांस स्टेज है उसमें भी विसरा प्रिजर्व होगा. एक्सीडेंटल डेथ जिसमें ड्राइवर ऑफ द व्हीकल और मशीन ऑपरेटर, एक्सीडेंटल डेथ हुई है जिसमें ड्राइवर की या व्हीकल ऑपरेटर की जो है डेथ हुई है, तो यहाँ पे भी हम एक्सीडेंटल डेथ में भी विसरा को प्रिजर्व करते हैं. तो ये सारे ऐसे कंडीशंस हैं जब विसरा प्रिजर्व किया जाता है. अब हम कितना कितना प्रिजर्व करेंगे? पूरा का पूरा निकाल के रख देंगे क्या? ऐसा तो होगा नहीं. कुछ एक अमाउंट फिक्स रहता है, क्वांटिटी फिक्स रहती है, तो वो हमें देखनी है. तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर स्टमक है तो हम पूरा का पूरा स्टमक नहीं, होल ऑफ इट अलोंग विथ कंटेंट. देखो स्टमक में जो भी मटेरियल प्रेजेंट है उसको उठाएंगे और हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, पैक कर देंगे और इसको सील कर देंगे. इसके बाद में इंटेस्टाइन बहुत बड़ी होती है, तो अप्रोक्स आपको 30 सेंटीमीटर ऑफ इंटेस्टाइन जो है वो पैक करनी है. चिल्ड्रन में पूरी की पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन पैक कर देंगे उसके कंटेंट के साथ में. लिवर में क्या करेंगे,
50 ग्राम ऑफ लिवर अलोंग विद गल ब्लैडर, ये दोनों साथ में प्रिजर्व कर देंगे। चिल्ड्रन में क्या करेंगे, चिल्ड्रन का पूरा लिवर रख देंगे क्योंकि उनमें 500 ग्राम से कम वेट ही होता है लिवर का। किडनीज की हम बात करें तो हाफ ऑफ ईच किडनी, दोनों किडनी का आधा आधा पार्ट लेके पैक कर देंगे। ब्लड 30 ml ब्लड होना चाहिए, मिनिमम 10 ml भी चलेगा, ठीक है। यूरिन 30 ml यूरिन होनी चाहिए। तो ये इतनी क्वांटिटीज हैं जो प्रिजर्व की जाती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है यहाँ पर कि हम क्या प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, अब किस केस में क्या प्रिजर्वेटिव यूज करेंगे, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो पता चले हमने प्रिजर्वेटिव जो है गलत यूज कर लिए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारा सैंपल था, जो विसरा था, वो ही बर्बाद हो गया, या फिर हम जो उसमें फाइंड करना चाहते थे वही चला गया। तो अगर मान लो यहाँ पे, अगर मान लो केस किस चीज का है, ऑल द पॉइजन्स आर प्रिजर्व्ड इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एक्सेप्ट पॉइजनिंग फ्रॉम कोरोसिव एसिड। अगर कोरोसिव एसिड, एल्किली, कोरोसिव सबलिमेट या फिर एकोनाइट, इनसे किसी की डेथ हुई है, अगर आपको लग रहा है, तो कभी भी आप सोडियम क्लोराइड में प्रिजर्व नहीं करोगे। नहीं तो जो सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, दैट इज द बेस्ट प्रिजर्वेटिव एंड मोस्ट कॉमनली यूज प्रिजर्वेटिव, NaCl में प्रिजर्व करते हैं। लेकिन अगर केस किस चीज का है, अगर आपको लग रहा है कोरोसिव सबलिमेट, कोरोसिव एसिड, एल्किली या एकोनाइट का है, तो आप उसमें नहीं करोगे, ठीक है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कब यूज करेंगे, ऑलमोस्ट ऑल केसेस एक्सेप्ट ये जो मैंने बताए हैं वो। फॉर एसिड पॉइजनिंग, एसिड पॉइजनिंग है, एक्सेप्ट एल्कोहल, केरोसिन, क्लोरोफॉर्म, ईथर, क्लोरोहाइड्रेट, फॉर्मिक एसिड, कार्बोलिक एसिड, फॉस्फोरस या पैरल्डिहाइड। अगर आपको इन सब के केस लग रहे हैं तो आप इसमें रेक्टिफाइड स्पिरिट यूज नहीं करोगे, बाकी सारे एसिड पॉइजनिंग के केसेस में रेक्टिफाइड स्पिरिट में विसरा को प्रिजर्व करेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हुई है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेयर ऑफ पैराफिन, ठीक है, जो क्या करेगी, गैसेस को एस्केप नहीं होने देगी, तो हम उसमें प्रिजर्व करेंगे। नाउ ऑल केस ऑफ पॉइजनिंग इंक्लूडिंग एल्कोहल पॉइजनिंग फॉर ब्लड, ठीक है, एल्कोहल पॉइजनिंग का केस है, तो यहाँ पे हम पोटेशियम ऑक्सलेट एंड सोडियम फ्लोराइड में ही इसको प्रिजर्व करेंगे। ध्यान रखना, एल्कोहल के केस को आप रेक्टिफाइड स्पिरिट में मत पैक कर देना, नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला, उसको हम करेंगे पोटेशियम ऑक्सलेट और सोडियम फ्लोराइड में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाली चीज़ है कि आप किस पर्टिकुलर केस में किस ऑर्गन को किस प्रिजर्वेटिव के अंदर प्रिजर्व करोगे, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ रहा होगा, नहीं आता तो एक बार आप फिर से देखना और इसको रिपीट करके देखना, नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में डाउट्स को आप पूछ सकते हो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे आता है कि प्रिजर्वेटिव नेसेसरी नहीं है, पर कब नहीं है, अगर 24 आवर्स के अंदर एनालिसिस किया जाना है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर में या फिर आइस बॉक्स में रख सकते हैं सैंपल को, ठीक है। नाउ ऑल्सो प्रिजर्वेटिव किस किस चीज़ के लिए नहीं चाहिए, अगर हेयर सैंपल है तो इसको कोई प्रिजर्वेटिव नहीं चाहिए, बोन्स को नहीं चाहिए, नेल्स, एंड फॉर लंग्स डिटेक्शन ऑफ वॉलेटाइल पॉइजन, अगर वॉलेटाइल पॉइजन का डिटेक्शन करना है तो लंग्स को भी आपको प्रिजर्वेटिव में रखने की जरूरत नहीं है। नाउ विसरा शुड नेवर बी प्रिजर्व इन फॉर्मेल्डिहाइड एंड द सेम शुड बी यूज ओनली फॉर हिस्टोपैथोलॉजिकल पर्पस। भाई फॉर्मेल्डिहाइड आप यूज नहीं करोगे, तभी करोगे जब आपको हिस्टोपैथोलॉजिकल पर्पस है रादर देन टॉक्सिकोलॉजिकल पर्पस। अगर आप पॉइजन पता करना चाहते हो तो फॉर्मेल्डिहाइड यूज नहीं करोगे, अगर नहीं करना चाहते हो तो फिर आप हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना चाहते हो तो आप फॉर्मेल्डिहाइड यूज कर सकते हो। इज दैट क्लियर? अब कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए, तो आप इनको एक बार पूरा रीड करके देखना कि कैसे प्रिजर्व किया जाता है एक एक ऑर्गन को। जैसे कि लिवर और किडनी है तो इसको हम एक बॉटल में प्रिजर्व कर देंगे, ठीक है। जैसे वैसे तो क्या होता है, बेसिकली आपको ना वाइल्स होते हैं, ठीक है, ऐसे वाइल्स होते हैं, हर वाइल में आपको सैंपल रखना होता है, ठीक है, सैंपल के साथ में आप उसका प्रिजर्वेटिव डालोगे, प्रिजर्वेटिव डालने के बाद में आप बॉटल को प्रॉपर तरीके से यहाँ पर स्क्रू कर दोगे, ठीक है, कैप को पूरा स्क्रू करोगे, फिर उसके बाद में क्या करोगे, इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पे पैक होने के बाद में इसके ऊपर एक स्लिप लगाई जाती है, ठीक है, एक स्लिप लगाएंगे और उस पर सारी चीज़ें मेंशन करेंगे, कितना विसरा है, नेम ऑफ विसरा, किसने कलेक्ट करा है, डॉक्टर का नाम, टाइम ऑफ कलेक्शन, डेट ऑफ कलेक्शन और विटनेस,
ठीक है, और सिग्नेचर, ये सारी चीजें इतने से बॉटल के ऊपर लिखी होनी चाहिए और फिर उसके बाद में इस पे सील होना चाहिए। क्या होना चाहिए इसके ऊपर? सील होना जरूरी है। ये इतनी चीजें जरूरी होती हैं, आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में ये लिखना जरूरी होता है। ऐसे ही सारी चीजें होती हैं, सब पैक होने के बाद में एक बॉक्स के अंदर आप क्या रखोगे, एक कबर्ड कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर सारी बॉटल्स को, सील्ड बॉटल्स को रखोगे और फिर से अगेन आप इस बॉक्स को फिर सील करोगे और फिर उसके बाद में आप एफएसएल भेज दोगे, ठीक है, तभी ये एक्सेप्ट किया जाएगा। और विक्टिम का नाम भी लिखना है आपको उसमें, विक्टिम का नाम, एज, सेक्स और पूरा नंबर, ठीक है, पुलिस रेफरेंस नंबर भी लिखा जाएगा, ये सारी चीज़ें लिखी जाएंगी उसके अंदर और फिर आप उसको एफएसएल भेजोगे और फिर एफएसएल में क्रॉस चेक किया जाएगा। जब सील मैच होगी विद द फॉरवर्डिंग लेटर और पीएम रिपोर्ट, वहाँ पे मैच किया जाएगा, मैच अगर होती है तभी आपका विसरा एफएसएल में एक्सेप्ट करा जाता है, नहीं तो वो वहाँ से वापस कर दिया जाता है। Is that clear? I hope कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ में। Till then, take care and bye bye.